चल रहा है और मेरा मैच उरुग्वे कप क्वालिफायर चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा है और मेरा मैच उरुग्वे से है, और मेरी पेरू टीम है जो कि अभी छठे पोजीशन में और उरुग्वे थर्ड में है, तो ये वाला मैच हमारी टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है, तो यही फॉर्मेशन रखने वाला मैं, कुछ ज्यादा बदलने नहीं वाला इसमें। तो बस मैच स्टार्ट हो ही गया है, तो ये तो हमारा होम स्टेज में मैच है, होम मैच है, तो देखना रहेगा जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि कुछ कुछ मैच हम नहीं जीत पाए, बट लास्ट हमने दो मैच जीते हैं और ये बहुत अच्छे से कटिंग कर रहा है, लेकिन मेरी पेरू की टीम थक जल्दी जाती है, और ये बहुत अच्छी दुर्पास निकली है बहुत, और ये गोल नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छे से फॉर्मेशन हुआ हमारा, गेम तो बहुत अच्छे से वो बन रहा है, आए तो पूरा एग्रेसिवली है, ओ शिट, और गोडिन भी है सामने बंदे, कवानी सुआरेज खेल रहे हैं, ये रहा कवानी और सुआरेज भी खेल रहा है, पेंटाकोर भी है, लेकिन अभी तक तो पोजीशन हमारे ज्यादा रहा है क्योंकि हमारा होम ग्राउंड और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि हम टीम जीते, और ये शिट ज्यादा अच्छी पास नहीं थी बट बच गए कोर्ट्स। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? तो ये मेरे एज ए मैं मैनेजर खेल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे बिर्मिंघम सिटी में मैनेज कर रहा हूँ और मेरे को एज ए इंटरनेशनल में भी मेरे को वर्ल्ड कप चलाने को मिला है पेरू की टीम से, तो कोशिश करेंगे जीताएं, वैसे इंडिया की टीम मिल सकती थी मेरे को लेकिन मैंने इंतजार नहीं करा, मेरे को पेरू से ऑफर आ रहा था नेशनल टीम का तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, शायद मैं अगर और रहता तो मेरे को शायद इंडिया टीम का भी ऑफर आ जाता, क्योंकि जब मेरे को याद है जब पहले मैंने फीफा 19 खेला था उसमें प्लेस्टेशन में, तो उसमें मेरे को इंडिया का ऑफर आया था वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाने का, बट ठीक है पेरू भी अच्छी टीम है, और ये तो अभी आपको जैसे पता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लीग होती है पूरी, तो वो एक तो ब्राजील और मेस्सी भी रहती हैं, ब्राजील अर्जेंटीना की टीम रहेगी, तो क्वालिफाई करना इसमें भी मुश्किल आता है, वैसे तो देश कम होते हैं बट लीग सिस्टम की वजह से, और लीग सिस्टम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाती है, और ये शॉट का चांस मिल गया बट कुछ नहीं हो पाया, तो लीग में तगड़ी तगड़ी टीम है, उरुग्वे भी अच्छी टीम है, और बाकी अगर मैंने इसका डिफिकल्टी थोड़ा हार्ड कर दिया फिर तो मेरे लिए जीतना और मुश्किल हो जाता है, लेकिन उरुग्वे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं पाई है गेम, बल्कि इनफैक्ट दोनों टीम नहीं दिखा पाए, दोनों टाइम अभी दोनों टीम अभी तक तगड़ा अटैक नहीं मार पाई क्योंकि पैरों के लिए भी मुश्किल है उरुग्वे को हराना, बट हम कोशिश करेंगे कम से कम ड्रॉ, अभी तो बहुत मैच है, शायद ज्यादा मैच नहीं है लेकिन फिर भी जितना हो सकता हम उतना कोशिश करेंगे, वन टू अच्छा खेल, और ये लॉटरी के पास बॉल, और ये अच्छा वो डिफेंडर है भाई, गोलकीपर ने अपना भी क्लियर मार दिया, गोलकीपर को ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, चलेगा बंदा, तो देखना रहेगा ये मैच जीतेंगे जीतेंगे, कवानी भी खेल रहा है, और ये सुआरेस को बॉल मिल गया और ये मिल गई गोलकीपर को बॉल, और अभी मैंने बिरिंघम की टीम से तो भाई अच्छे अच्छे प्लेयर साइन करे हैं, अच्छे मतलब यूथ प्लेयर हैं जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और शेट ये गलत पास दे दी, Sebastian Coates.
referee has chosen to add on 2 extra minutes. और ये फॉल हो जाएगा लग रहा है, और ये फॉल मिल गया उरुग्वे को, तो अभी तक कुछ हो नहीं पाया। वैसे तो उरुग्वे तो खुशी होगी ड्रॉ होने से, लेकिन उरुग्वे भी चाहेगी कि कम से कम हारे ना, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हराने की। तो अभी एक हाफ खेल के देखो सुआरेज, आप देख सकते हो, तो एक हाफ खेल के मुझे लग रहा है अगर मैं पूरी जान लगा दूँ इस मैच में तो हम ये वाला मैच जीत सकते हैं, बट अगला मैच हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। और ये कमानी बॉल मिल गया, और ये बहुत अच्छा टैकल। तो मैंने अभी अल्ट्रा अटैकिंग कर दी तकड़ी वाली, उसमें क्या सारी टीम अटैक ही अटैक करेगी। शिट, और उनको उरुग्वे को इतना प्रेशर मार दिया मैंने कि उनको क्लियर करनी पड़ेगी बहुत। तो अभी सारे प्लेयर मेरे अभी आगे खेलेंगे पूरा। अच्छे से पास देनी पूरी, और ये खाली बॉल मिल गई, और ये शॉट, और ये काम आ रही बंदे ने यार। बहुत गंदा वाला मिस था, ये गोल हो जाता तो बढ़िया रहता। और ये सुआरेज को चांस मिला, और ये सुआरेज ने तो गोल मारना है था। तभी हम उरुग्वे से 1-0 लॉस चल रहे हैं, तो उनके पास नो डाउट क्वालिटी तो थी कन्वर्ट करने की, और ये पता नहीं पास मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मिल गई है लेकिन गलती हो गई है। और ये चलो कॉर्नर हो गया, तो अब तो और मुश्किल हो गया मान लें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना, क्योंकि ये वाला मैच अगर हम हार गए। और ये अरे यार स्ट्रेट मेरे से बहुत ज्यादा तेज शॉट पड़ गया, ये भी गोल हो सकता था। और ये पीछे पीछे खेलने लग गया उरुग्वे की टीम, बहुत माइंडली खेल रहा। और अब देखो 3-3 हो गया, बट ये वाली क्रॉस गलत खिला दी, लेकिन मेरी टीम वाले भी क्या कर रहे हैं शिट। और ये बहुत मेहनत लगेगी लगता हमें, ये मिल गई है बॉल, और ये बहुत इजी खेलना पड़ेगा। और ये चांस मिला है, और ये गोल हो गया, बहुत बढ़िया गोल हुआ, शानदार। एक तरह से ड्रॉ भी हो गया तो बहुत बढ़िया रहेगा, कैप्टन ने गोल मार दिया हमारे, बहुत अच्छा गेम बनाया था नो डाउट, बहुत अच्छा गेम बनाया था। और ये सुआरेज के पास बॉल मिल गया, क्लोज करना पड़ेगा मुझे, और बंदे ने फिर भी अच्छे से क्रॉस मार दिया है। अब मेरे को 1-2-1-2 करके आना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर बहुत ज्यादा है टीम में, आगे के प्लेयर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे मगर इजी खेलूंगा, तो ये वाले प्लेयर में एनर्जी है बहुत ज्यादा। और ये शॉट मार दे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कोई नहीं। तो नया प्लेयर जो लाया हूँ वो कुछ कमाल जरूर दिखाएंगे, दिखाना चाहिए उनको। और ये अच्छा हुआ हमें ही पास दे दी उसने। और ये बहुत अच्छे से पास दे ही खेल रहे हैं, और ये गलत हुआ, गलती हुई वाली। शिट, 4-2 हो गया, लेकिन हमने मिल गई बॉल, सुआरेज भी गिर गया बिल्कुल। और ये बॉल, लेकिन ये गलत हुई, थ्रू पास नहीं देनी चाहिए थी। अभी भी 5 मिनट है जो हम जीता सकती है मैच,
इंटरसेप्टिंग। चार बंदे तो आगे खेल रहे मेरे। उनको भी एक गलत गोल मैंने दे दिया उरुग्वे को, और ये मिल गया खाली गोल, ये खाली गोल मिल गया। अरे यार शिट, मेरे को पीछे वाले को देनी चाहिए थी, मैंने आगे दे दी बंदे को पास। और ये अच्छी पास, शिट ये गलत हो गया। अब तो यार ये वाला गोल ज्यादा तो गए थे हम काम से, तो ये वाला मैच ड्रॉ रहा है, जो कि ठीक ठाक सब कह सकते हैं, ठीक ठीक रहा, तो कह सकते हैं हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वाले। अभी होप बनी हुई है, और वेनेजुएला ड्रॉ खेल चुकी है, तो हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन अभी भी हम सिक्स्थ में ही हैं। कोई नहीं, फिर भी हमारे पास ऑप्शन है।